शहबाज हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट से हुकूमत की अदम दिलचस्पी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार। 4 माह 20 रोज गुजर गए, नई स्टेयरिंग कमेटी तश्कील ना दी गई। मंसूबे पर कितना काम हुआ, कितना बाकी, कोई अदादो शुमार नहीं। वजीर आला की जानिब से ऑरेंज लाइन मॉनिटरिंग के लिए 10 करोड़ मंजूर। मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्टर भी तजब्जुब का शिकार। पंजाब की 56 कंपनी स्कैंडल को मंजर आम आए, 1 साल बीत गया। सबसे पहले लाहौर न्यूज ने अहम मामले की निशानदेही की। मेगा स्कैंडल ने सियासी और इंतजामी ऐवानों में हलचल मचाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा समेत कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई। नैब ने 2 अरब रुपए रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाए। अब ऑडिटर जनरल ने भी बेजाब्तगियों की तस्दीक कर दी। इसहाकदार के असासों की जब्तगी। गुलबर्ग कोठी पंजाब हुकूमत के नाम मुंतकिल। बैंक अकाउंट में पड़ी रकम भी सरकारी खजाने में जाएगी। डीसी लाहौर ने 4 बैंक्स के नाम मुरासला लिख दिया। डबल सवारी डबल हेलमेट, औरत हो या मर्द, पिछली सवारी की हेलमेट की बारी। यकम नवंबर से मोटरसाइकिल पर दोनों सवार हेलमेट पहनेंगे। साइड मिरर और पिछली सवारी आगाही मुहिम का आगाज आइंदा पीर से होगा। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में लाकानूनियत का मामला। एडीएन स्कीमों का रिकॉर्ड सर्वमोहर करके तहकीकात का आगाज कर दिया। गैर कानूनी अमूर की निशानदेही के लिए स्पेशल कमेटी कायम। गाड़ी का ई चालान हुआ या नहीं, शहरियों की मालूमात के लिए वेबसाइट मुतारिफ। सिटी अथॉरिटी ने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक चालान चेक करने का सिस्टम मुतारिफ करा दिया। शहरी शनाख्ती कार्ड और गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए अपना ई चालान देख सकेंगे। हेलमेट ना पहनने की सजा, ट्रैफिक वार्डन ने अपनी अदालत लगा ली। दादा दरबार के करीब वीडियो बनाने के इल्जाम में वार्डन ने शहरी के कान पकड़वा दिए। मुबैना तशद्दुद के बाद शहरी यासिर को भाटी गेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर न्यूज को वाकये की फुटेज मौसूल हो गई। यकी गेट में थाने की इमारत की खुदाई के दौरान पानी की मेन लाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से अंदरूनी शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। पानी की फराहमी के लिए टैंकर पहुंचा दिए गए। वासा हुकाम की जानिब से पाइपलाइन की बहाली का काम जारी। पंजाब हुकूमत का स्मोक जांचने के लिए 8 मॉनिटरिंग सेशन लगाने का फैसला। 5 स्टेशन लाहौर में लगाए जाएंगे। पंजाब काबीना ने मंजूरी के बाद 1.5 करोड़ जारी कर दिए। महकमा माहौलियात की एंटी स्मोक मुहिम तेज। स्मोक पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर 111 सनती यूनिट्स और 16 भट्टे सर्वमोहर कर दिए। वजीर बल्दियात ने शहर को साफ सुथरा बनाने की ठान ली। अब्दुल अलीम खान डेडलाइन खत्म होने पर शहर के दौरे पर निकल पड़े। अलावा इकबाल रोड, गड़ी शाहू, बोहड़वाला चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई की सूरत हाल में बेहतरी पर एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत। बोले, शहर के गली कूचों को हर सूरत साफ सुथरा बनाया जाएगा। रेलवे ट्रैक के साथ स्कूल्स और ग्राउंड्स बंद करने का फैसला। वालिदैन बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिल करा लें। शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रैकिंग सिस्टम लगाने और मॉडल गाड़ियों की तादाद 8 से बढ़ाकर 15 करने का ऐलान। पहले 50 दिनों में रेलवे की आमदनी में 1 अरब रुपए का इजाफा होने का दावा। ग्रीन लाइन, कराची एक्सप्रेस और तेजगाम में वाईफाई सर्विस शुरू करने का ऐलान। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की रेलवे पुलिस लाइन आमद। रेलवे पुलिस के दस्ते की वफाकी वजीर को सलामी। शेख रशीद ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए चीन से मदद लेने का ऐलान। ट्रैक बेहतर होने से लाहौर और रावलपिंडी का सफर 1 घंटे में तय होगा। शेख रशीद अहमद का दरबार से खिताब।
सूबाई वजीर बराए आला तालीम और सियाहत का 8 जिला में सियाहती मुकाम दरियाफ्त करने का ऐलान। 100 रोजा प्लान पर ब्रीफिंग। हर डिवीजन में आलमी मयार की यूनिवर्सिटी बनाने के अजम का इजहार। इंटर के बाद जो तलबा यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते वो कम्युनिटी कॉलेज जा सकते हैं। राजा सरफराज हुमायूं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाही कला में बहाली के काम के लिए खुदाई, एक और सुरंग दरियाफ्त। वॉल सिटी अथॉरिटी ने सुरंग को मुगल बादशाह शाहजहां के दौर की तामीर करार दे दिया। सुरंग 400 साल पुरानी है, भरपूर तहकीक की जाएगी। सुरंग को इसकी तारीखी शक्ल में बहाल करके आवाम के लिए खोला जाएगा। डायरेक्टर शाही कला आसिफ जहीर। पुलिस लावारिस लाशों की शनाख्त और पोस्टमार्टम करवाने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली नामालूम लाशों की तादाद 14 हो गई। खुसूसी तौर पर बनाया गया इन्वेस्टिगेशन सेल भी बेसूर। बिजली और गैस चोरों की शामत आ गई। सुई गैस टीम की मुस्तफा पार्क में कार्रवाई। 20 घरों में गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। सूफियाबाद लेस्को सब डिविजन की कार्रवाई। 25 घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई। और अंडों के बाद मुजरे सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 गैरकानूनी मसबा खाने, 6500 किलो नाकिस गोश्त, 1000 किलो चर्बी, 800 लीटर बाकियात से निकला तेल तल्फ। गैरकानूनी जिबा खानों में बीमार और लागर जानवरों का गोश्त तैयार किया जाता था। डीजी फूड अथॉरिटी। ऐवान इकबाल में यतीम बच्चों के लिए तुर्की जुबान के कोर्सेज का आगाज। सूबाई वजीर इत्तलात का क्लासेस का दौरा। बच्चों से मुलाकात। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि तैयब उर्दगान ने जिस तरह अपनी कौम को बहरानों से निकाला ये हमारे लिए मुश्किल रहा है। नवी और दसवीं जमात के इम्तिहानात का आगाज और दाखिला फीस जमा करवाने का शेड्यूल जारी। तमाम तालीमी बोर्ड्स में सिंगल फीस के साथ दाखिले 11 नवम्बर से 12 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। लाहौर समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को 22 अरब 28 करोड़ रुपए के फंड जारी। सैलरी और नॉन सैलरी फंड जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 1 अरब 24 करोड़ रुपए मिल गए। शुगर का बढ़ता हुआ मर्ज काबिले तश्वीश करार। जनरल अस्पताल में डायबिटीज से आगाही के लिए सेमिनार। सीनियर डॉक्टर्स ने नर्सिस को मरीज की देखभाल से मुतालिक आगाही दी। डेटा फराहम करने वाली कंपनी डाइस एनालिटिक्स के जरिए तमाम फ्लैटिस में तकरीब। कंपनी के सीईओ का कहना था कि डेटा जनरेशन से बिजनेस को फरोग दिया जा सकता है। तकरीब में तलबा और तालिबात समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। पाक फिजाइया और श्रीलंकन फिजाइया के मबैन दोस्ताना गोल्फ सीरीज। शानदार मुकाबले के बाद पाक फिजाइया ने मेहमान टीम को शिकस्त दे दी। PAF स्काई व्यू गोल्फ एंड कंट्री क्लब में इख्तितामी तकरीब। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ओल्ड इज गोल्ड विंटेज गाड़ियों ने जमाया लाहौर में अपना रंग। शाही कले में वॉल सिटी अथॉरिटी के जरिए तमाम कार रैली। कॉस्मेटिक्स यूनिवर्सिटी में सजा चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद आकर्षण। शाइकिंग की जानदार और शानदार गाड़ियों में गहरी दिलचस्पी।